बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। धाम धनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परमधाम की सभी आत्माओं को अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। वैसे तो इस किरंतन को हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार गाया भी है। तारतम वाणी को, इन प्रकरणों को, इन चौपाइयों को जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही बात को बार बार लिखा गया है। लेकिन जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे हमारे भाव प्रगाढ़ होते जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसको पढ़ने से कोई हमसे बात कर रहा है, कोई हमारी बातों को सुन रहा है, और जो बात हमारे हृदय में अभी उत्पन्न भी नहीं हुई, मानो कोई उसको जान करके उससे पहले हमें उत्तर दे रहा है। जिस प्रकार गीता श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, गीता को पढ़ते हैं तो लगता है मानो श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। यह संसार रूपी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिसमें हर व्यक्ति दुर्योधन की तरह द्वंद्व में जी रहा है, गीता को पढ़ करके ऐसा आभास होता है कि मानो गीता के श्लोकों के माध्यम से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण आज भी संपूर्ण मानव जाति को निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। उसी प्रकार यह वाणी अक्षरातीत धाम धनी की वांगमयी मूर्ति है। मानो ये मूर्ति हमसे बोलती है, हमसे बात करती है, हमारे भावों को समझती है। हम आरती गाते हैं, कंचन थाल चहुमुख दिवला। इसके अंत में एक चौपाई आती है, तन मन जीव न्योछावर कीनो इंद्रावती चरणे लागी। यह मन में विचार उठता है कि जिस इंद्रावती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान हैं, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम के अंदर सारे सुंदर साथ जिसको अक्षरातीत मान करके पूजा कर रहे हैं, अपने हृदय में विराजमान उस युगल स्वरूप को इंद्रावती जी भी स्वयं कहती हैं कि तन मन जीव न्योछावर कीनो इंद्रावती चरणों लागी, कि मैं आपके चरण लगती हूं। देखा जाए तो इंद्रावती जी जिस मूल स्वरूप के साथ एकत्व और वाहिदत की भूमिका में हैं, जिसे वेद ने कहा कि जो तू है वो मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जाए। वाणी की भी एक चौपाई है, अब मिल रही महामत पियू सो अंगो अंग। हक हम में, हम हक में, और हक बिना सब ख्वाब। जिस वाहिदत और एकत्व की भूमिका में इंद्रावती जी युगल स्वरूप के साथ हैं, वहां किसी आरती की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो इंद्रावती जी का स्वरूप है वाहिदत की भूमिका में, मारिफत की दृष्टि से वही अक्षरातीत का स्वरूप है। कभी कोई स्वयं को चंदन नहीं लगा सकता, कभी कोई स्वयं की आरती नहीं करता, कभी कोई स्वयं की वंदना नहीं करता, कभी कोई स्वयं की गीत नहीं गा सकता। इंद्रावती जी अक्षरातीत के साथ उस एकत्व की भूमिका में है कि संपूर्ण सुंदर साथ उन्हें उस परमधाम के युगल स्वरूप के रूप में देख रहा है। लेकिन फिर भी इंद्रावती जी कहती हैं, तन मन जीव न्योछावर कीनो इंद्रावती चरणे लाग। यह हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है। किरंतन की इस चौपाई में भी कहा है, मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन।
कि हे धामधनी, मैं अपने मन, मैं अपने वचन और मैं अपने कर्म से केवल एक ही बात मांगती हूँ, और ए जिन तुम खाली करो, मेरी एक ही अर्जी है, मेरी एक ही विनती है, और पहले मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि आप मेरी अर्जी को मत ठुकराना। ए जिन तुम खाली करो, अर्ज करो दुल्हन। और इंद्रावती जी की अर्जी क्या है कि मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, अपनी राखो आप, इश्क दीजियो मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिला। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य का कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हम प्रतिदिन अर्जी गाते हैं, पिया तुम हो तैसी कीजियो। जब महाभारत का युद्ध था, दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से युद्ध में अपने पक्ष में लड़ने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारे पास दो चुनाव हैं, तुमने चुनना है। एक तरफ मेरी 11 अक्षोषणी सेना है, या तो तुम उसको चुन लो, और एक तरफ मैं स्वयं हूं निहत्था, और मैं वचन देता हूं कि मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम बताओ तुम्हें क्या चुनाव करना है। दुर्योधन ने चुनाव किया श्री कृष्ण की 11 अक्षोषणी सेना का। दूसरी तरफ युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। भले ही आप युद्ध में शस्त्र ना उठाओ, लेकिन जहां आप हैं, इसीलिए पूरी गीता के अंतिम में संजय ने ये बहुत सुंदर बात कही कि यत योगेश्वर श्री कृष्णः, कि जहां पर श्री कृष्ण रूपी धर्म विराजमान है, वहां पर नीति, वहां पर विजय, वहां पर श्री, वहां पर संपदा सदैव अपने आप खिंची आती है। इंद्रावती जी भी यही कहती हैं कि मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, पिया तुम हो तैसी कीजियो, जैसे आप हैं मुझे वैसा कर दीजिए, मुझे उस एकत्व और वाहदत की भूमिका में पहुंचा दीजिए जहां आप में और मुझ में कोई भेद ही ना रहे। यह सरल साधारण से किरंतन हम सभी सुंदर साथ को गहन चिंतन के लिए मजबूर करते हैं कि आज 400 साल से ये जो अखंड वाणी का रस बरस रहा है, उसके बाद भी अक्षरातीत धामधनी को पीठ देकर हम प्रतिदिन संसार में लौटते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक गांव में एक गरीब किसान था, उसका नाम था देव प्रसाद। बहुत ही गरीब, बहुत ही दरिद्र, टूटी फूटी उसकी झोपड़ी जिसमें हजारों छेद, वर्षा की ऋतु में पानी टपकता था, सर्दी की ऋतु में ओस टपकती थी। एक उसकी पत्नी थी और एक उसका छोटा सा पुत्र। देव प्रसाद को हमेशा एक बात का भान रहा कि तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम देव प्रसाद रखा है, एक दिन तुम्हारा नाम अवश्य सार्थक होगा, देवता की कृपा तुम पर जरूर बरसेगी। और उस गांव में एक कहावत प्रचलित थी कि गांव के नजदीक एक गहन वन था। गांव के लोगों की मान्यता थी कि इस वन में गंधर्व यक्ष रहते हैं, और जिस पर भी वो गंधर्व यक्ष प्रसन्न होते हैं, उसे मनचाहा धन देते हैं, सोना देते हैं। देव प्रसाद प्रतिदिन सुबह उस जंगल में चला जाता, सारा दिन उस जंगल में घूमता। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं बचा था जहां देव प्रसाद ने अपना माथा ना रखा हो, कोई चट्टान ऐसी ना बची जहां पर उसने सजदा ना बजाया हो। प्रतिदिन खाली हाथ घर लौटता, उसे उम्मीद थी कि शायद तुझे भी कोई गंधर्व मिले, शायद तुझे भी कोई यक्ष मिले, और तेरी मां ने जो तेरा नाम देव प्रसाद रखा है, शायद तेरे ऊपर भी कभी देवता का प्रसाद बरसे और तू अपनी निर्धनता को समाप्त करे। एक दिन देव प्रसाद थक गया, थके हारे अपने घर को वापस लौटते लौटते उसके मन में विचार था कि ये यक्ष गंधर्व ये सब बच्चों की बातें हैं, किससे कहानियां हैं, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज के बाद मैं कभी भी इस वन में नहीं आऊंगा।
लेकिन गोधूली का समय था, सूरज छिप रहा था। पीछे से किसी ने आवाज दी, देवप्रसाद। उसने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। स्वर्ण रंग की आभा लिए एक देव पुरुष उसके सामने खड़ा था। देवप्रसाद को लगा कि जिस यक्ष की प्रतीक्षा वो इतने समय से कर रहा था, आज उसके सामने प्रकट हो गया। देवप्रसाद ने सोचा, आज तुम्हारी माता ने जो तुम्हें नाम दिया है, आज वो सार्थक हो गया। आज तुम पर देवता की कृपा बरसेगी। यक्ष के सामने दंडवत लेता है। उस यक्ष ने कहा कि देवप्रसाद, आज तुम मुझसे 3 वर मांग लो, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी कामना हो, आज तुम मुझसे मांगो, तुम जो कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। देवप्रसाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। काफी देर तक सोचता रहा, क्या मांगूं। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में विचार आया कि मेरा एक टूटा फूटा सा झोपड़ा है, जिसमें पानी भी बरसता है, ओस भी टपकती है, क्यों ना मैं इनसे एक झोपड़ा मांग लूं। उसने यक्ष से कहा कि आपकी अति कृपा होगी, आप मुझे यदि एक नया झोपड़ा दे दें। यक्ष तो यक्ष थे, उन्होंने कहा तथास्तु। एक नई झोपड़ी सामने आ गई। यक्ष भी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इसके सामने कौन खड़ा है, और इसने मांगा भी तो क्या, ये आज मांगता तो राजमहल मिल जाता। लेकिन इसकी बुद्धि केवल एक झोपड़ी तक ही सीमित रही। यक्ष ने कहा कि देवप्रसाद, अब तुम दूसरा वर मांगो। देवप्रसाद फिर से सोचता है कि अब क्या मांगू। फिर देवप्रसाद को याद आया कि मेरी एक छोटा सा बालक है, जिसने कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है, क्यों ना मैं यक्ष से एक बकरी मांग लूं, जिसका दूध निकाल करके मैं अपने पुत्र को पिलाऊंगा। उसने देवप्रसाद ने यक्ष को कहा कि आपकी अति कृपा होगी यदि आप मुझे एक बकरी और दे दें। देवप्रसाद को यक्ष ने कहा तथास्तु, और वहां पर एक बकरी प्रकट हो गई। यक्ष अभी भी हंस रहा है कि इसकी बुद्धि देखो, कि इसने मांगा भी तो क्या मांगा। यक्ष कहता है कि अब आखिरी बार है, तुम सोच लो, तुम विचार कर लो, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, सोच समझ करके अपना तीसरा वर मांगो। अब देवप्रसाद खूब सोचता है, विचारता है, उसे लगता है कि अब तो मेरी सारी जरूरतें ही पूरी हो गई, अब मैं क्या मांगू। फिर उसको लगता है कि बकरी है, बकरी को रोज चारा भी तो खिलाना पड़ेगा, अब क्यों ना मैं कुछ चारे की मांग कर लूं। तो उसने यक्ष से कहा कि आपकी अति कृपा, आपका बड़ा प्रसाद, यदि आप मुझे 10 किलो चारा दे दें, 10 किलो भूसा दे दें, तो आपका बड़ा अनुग्रह मुझ पर होगा। यक्ष मुस्कुराते रहे, 10 किलो चारा वहां प्रकट हो गया, यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। अब देवप्रसाद के हाथ में एक बकरी है, उसके कंधे पर 10 किलो चारा है, और वो अपने घर जा रहा है। उसका मन प्रसन्नता से, पांव उसके जमीन पर नहीं पड़ रहे, वो अपनी पीठ को थपथपा रहा है कि देवप्रसाद तुम कितने बुद्धिमान हो। सोचो विधाता की मेहर तुम पर बरसी, तुम्हारी जो जो जरूरतें थी तुमने सब मांग ली, तुम तो आज धन्य धन्य हो गए। एक बकरी हाथ में लेकर के, 10 किलो चारा लेकर के अपने उस झोपड़े की तरफ जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि देखो देवप्रसाद कितना मूर्ख, उसने मांगा भी तो क्या मांगा। लेकिन ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ा संदेश देती है। झोपड़ी क्या है? झोपड़ी है घर। बकरी क्यों मांगी? बकरी मांगी अपनी संतान के लिए। और भूसा क्यों मांगा? कुछ संपत्ति, कुछ संग्रह। यदि हम और आप गहन दृष्टि से विचार करें, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की जितनी भी मांगे हैं, वो यही 3 मांगे हैं। इससे ज्यादा किसी की कोई मांग नहीं है। इस देश में घर घर में गीता का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, सत्यनारायण की कथा हो रही है,
हजारों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, यमुना में डुबकी लगा रहे हैं, कोई मूर्ति के आगे लोटपोट हो रहा है, कोई मस्जिदों में जाकर कब्रों पर चदरें चढ़ा रहा है, कोई गिरजाघरों में मोमबत्ती लेकर के खड़ा है, कोई जैन और बौद्ध की मूर्तियों के षोडश उपचार पूजा कर रहा है। इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे प्राणी, लेकिन सबकी जो मांग है वो क्या है? एक तो घर मिल जाए, एक हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, कोई पढ़ ले, कोई लिख ले, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाए, कोई यूएस चला जाए, किसी को एमएनसी में जॉब मिल जाए और कुछ धन संपत्ति हो, कुछ बैंक बैलेंस हो। ये क्या है? यही तो तीन चीजें हैं, झोपड़ी, बकरी और 10 किलो चारा। यहीं पर आकर के सारी मांगे खत्म हो जाती। बीतक में मैं कई बार उदाहरण देता हूं, भगवान दास रेवादास। भगवान दास रेवादास के यहां पर श्रीजी पधारते हैं। जब जाने का समय आता है तो भगवान दास रेवादास श्रीजी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि श्रीजी आपकी अपार कृपा होगी यदि आप 1 सोने की मोहर दे दें। मुझे भगवान दास रेवादास का चरित्र इसलिए बहुत प्रिय है क्योंकि भगवान दास के चरित्र में कोई लार लपेट नहीं है। उसके मन में जो है वही उसकी जिभा पर है। उसके मन में धन की मांग है, संपत्ति की मांग है, सो उसने कह दिया, उसने कुछ झूठ नहीं बोला। वो कहता है कि श्रीजी 1 सोने की मोहर दे दीजिए। गोवर्धन भट्ट श्रीजी के साथ हैं, गोवर्धन भट्ट श्रीजी के साथ हैं, वो भगवान दास रेवादास को कहते हैं कि रेवादास तूने 1 सोने की अशर्फी मांगी है, 1 सोने की मोहर मांगी है, देने को तो तुझे 100 दे दे, लेकिन तू ये बता कि तू इनका करेगा क्या? एक ना एक दिन तो 100 की 100 समाप्त हो जाएंगी। यदि ये समाप्त ना हुई तो इस संसार को डस लेने वाला काल तुझे डस लेगा, तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर तू सोने की मोहरों का क्या करेगा? तू ये तो देख तेरे घर पर कौन आया है। इन वचन के कारण लक्ष्मी जी आप कि जिसके लिए 7 कल्पांत तक लक्ष्मी जी तपस्या करती रही, तेरे घर वो आया है। ये जो असंख्य ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो असंख्य आकाश गंगाएं हैं, इनका जो अखंड अधिपति है, इनका जो अखंड राजा है, आज वो तेरे घर आया है। तो अपना सौभाग्य तो देख, आज विधाता की मेहर तुझ पर कैसी बरसी है। तो अपनी आंखों को देख और तू सोच कि तेरे घर पर आज कौन आया है, तो इनसे कुछ मांग। और गोवर्धन भाई की ये, गोवर्धन भट्ट के ये शब्द हैं। गोवर्धन भट्ट कहते हैं कि तू मांग अलौकिक इन पर, कि तू इनसे कुछ अलौकिक मांग ले, अब तो लौकिक मत मांग। धन तो मांगने वाले बहुत हैं, तो धन मत मांग, तो इनसे परम धन मांग ले। तो इनसे ऐश्वर्य की मांग मत कर, तो इनसे परम ऐश्वर्य मांग। तो इनसे पद की मांग मत कर, तो इनसे परम पद मांग ले। तो देख तो सही तेरे दरवाजे पर आज कौन आया है। युग युग बीत जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, हजारों असंख्य ऋषि मुनि जिस की एक झलक पाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, आज वो चल करके तेरे घर पर आया है। तू मांग अलौकिक इन पर। लेकिन रेवादास ने क्या मांगा कि मुझे 1 सोने की मोहर दे दीजिए। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। भगवान दास रेवादास हार गए। लेकिन हम सब के लिए एक उदाहरण, नचिकेता जब यमाचार्य के पास पहुंचते हैं, यमाचार्य से ब्रह्म के विषय में बात करते हैं कि मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं
कि शतायु पुत्र पौत्रान, कि तू मुझसे 100 वर्ष वाले पुत्र और पौत्र मांग ले। बहून पशुन हस्ती हिरण्यम अश्वान, तू मुझसे पशु धन मांग ले, हस्ती हिरण्यम अश्वान अश्व घोड़े हाथी मांग ले। भूमिर महत आयतनम, जहां तक तुझे दिखाई देता है क्षितिज के उस पार तक तू मुझसे भूमि मांग ले। यावत इच्छसी, जब तक तू जीना चाहे मुझसे मांग ले। लेकिन जानते हैं नचिकेता ने क्या कहा? नचिकेता एक छोटा सा बालक है। नचिकेता ने 2 शब्द कहे। नचिकेता का पहला शब्द था श्वो भावहा, कल नहीं रहेगा। आप जो भी देना चाहते हैं ये कल नहीं रहेगा। मर्त्यस्य, ये तो मरण धर्म है, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, एक दिन ये भोग समाप्त हो जाएंगे। यदि भोग ना समाप्त हुए तो पूरी पृथ्वी को डसने वाला काल मुझे समाप्त कर देगा। यदि आपको देना है तो आप मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। लप्स्याम हे वित्तम, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन से किसी की तृप्ति नहीं होती। लप्स्याम हे वित्तम, मुझे धन मिल जाएगा यदि मैं उसके स्वरूप को देख लूंगा। कोई कोई होता है जो संसार के धन, संसार की कामनाएं और संसार के प्रलोभनों को छोड़ करके इंद्रावती जी की तरह पुकार लगाता है कि इश्क दीजियो मोहे आपनो, मेरा यही सौमुद्दाय, कि यदि मुझे आपने कुछ देना है तो आप मुझे केवल प्रेम दीजिए, आप मुझे अपने सरीखी कर लीजिए, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आप चाहिए। कोई कोई ललिता सखी के जैसा होता है जिसके हृदय से ये प्रार्थना उठती है, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी। ललिता सखी कहती है कि धाम धनी अक्षरातीत, आपने जो मेरी आत्म जागृति की है, आपने जो मुझ पर यह रस बरसाया है, यदि ललिता सखी को करोड़ों जन्म भी मिले तो हर जन्म में ललिता सखी आप पर अपने प्राणों को न्योछावर करती। यह इंद्रावती जी की वेदना है। ना चाहो मैं मान बुजुर्गी, ना चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजियो मोए आपनो, मेरो यहीं समुदाय। मेरा मुद्दा तो केवल यहीं से है, मुझे इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जब विरह में तड़पती हुई गोपियों के पास उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के जाते हैं, गोपियों को कहते हैं कि क्या तुम एक पुरुष के पीछे पागल हो, क्या तुम उस कन्हैया के पीछे पागल हो, तुम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि जाकर के उस श्री कृष्ण को कह दो कि एक सरोवर होता है, उस सरोवर के अंदर बतख भी तैरती है, बगुला भी तैरता है, उसमें कमल भी खिलते हैं और उसमें मीन मछली भी होती है। जब सरोवर का जल सूखने लगता है तो सारस, बतख और बगुला उस सरोवर को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन मीन कभी सरोवर को छोड़ती नहीं है, मछली कभी भी सरोवर को नहीं छोड़ती, मछली उसी सरोवर में रहती है। मछली सूखते हुए जल के विरह में तड़पती है, अपने प्राणों की आहुति देती है, सानिध्य को नहीं छोड़ती, अपना जीवन समाप्त कर देती है। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि जाकर के अपने श्री कृष्ण को बस इतना कह देना कि हम श्री कृष्ण रूपी सरोवर के बगुला, बतख या पक्षी नहीं है, हम श्री कृष्ण रूपी सरोवर की मीन है, हम मछली है, हम इस सरोवर को नहीं छोड़ सकती, भले ही जल सूख जाए लेकिन हम तड़पेंगी, हम विरह में तड़पेंगी, हमें मरना स्वीकार है, हमें अपने प्राणों को छोड़ना स्वीकार है, तुम उन्हें जा करके कहो हम मीन है, हम अनन्या हैं, हम नहीं छोड़ सकते, जाकर के उनसे कह दो
उत्थो मन न हुए 10-20 कि किसी के पास 10-20 मन नहीं होते, हर किसी के पास एक ही मन होता है। उत्थो मन न हुए 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग। हमारे पास एक ही मन था और वो श्री कृष्ण जिस दिन वृंदावन को छोड़ करके गए वो उनके साथ चला गया, वो अपने साथ ले गए। अब तुम बताओ कौन भजे तुम्हारो ईज, अब हम कौन से मन से तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। आज हमारे पास 10-20 मन है। यहां एक मन कर रहा है कि राज्य मिल जाएं, सभा मंडप से उठ करके आप बाहर जाओगे एक मन करेगा कि सबसे बातें हों, अपने कक्ष में पहुंचोगे घर से फोन आएगा आपको चिंता सताने लगेगी, एक मन करेगा कि हम अब घर में पहुंच जाएं। 10-20 मन हैं, हर मन से कुछ न कुछ मांग है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। हमारी हालत भी उस देव प्रसाद की तरह है, एक टूटा झोपड़ा, एक बकरी और 10 किलो चारा, इससे ऊपर कोई सोच नहीं सकता। राज के पहले प्रकरण में इंद्रावती जी ताल ठोक करके कहती हैं, आपनो धन तो ए छे जो वालो दिए छे आधार, आपनो धन तो ए छे, हमारा धन तो ये है जो हमें हमारे आधार ने दिया है। कितने सुंदर शब्द हैं, हमारे आधार। जानते हैं आधार का मतलब क्या है? आधार का मतलब है जिसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमधाम की ब्रह्मात्माओं और परमधाम के युगल स्वरूप का संबंध ऐसा है जैसे सूरज और सूरज की किरणें, जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी, जैसे एक फूल और उसकी कोमलता, जैसे एक चंदन और उसकी सुगंधि। संभव है कि सूरज को उसकी किरणों से अलग किया जा सके, संभव है चंद्रमा को चांदनी से अलग किया जा सके, संभव है कि एक फूल से उसकी कोमलता को अलग किया जा सके, संभव है चंदन से उसकी सुगंधि को छीन लिया जाए। लेकिन इंद्रावती जी कहती हैं कि हमें आपसे छीनने का तो कोई उपाय ही नहीं, हम अरस परस हैं, हक हम में और हम हक में, हक बिना सब ख्वाब, जिसे वेद ने भी कहा कि जो तू है वो मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जाए। सोचिए इतना ऊंचा ज्ञान, ऐसा प्रेम और ऐसा सिखापन हमें कहां देखने को मिलेगा। इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप बैठे हैं। नाम सिंगार शोभा तुम्हारी, मैं भेष तुम्हारो लिए, सही नाम दियो मोहर अपनी। इंद्रावती जी कहती हैं कि संसार में आपने मुझे अक्षरातीत बना करके बिठाया है, ऐसी शोभा इंद्रावती जी को मिली है जो इस संसार में ना कभी किसी को मिली थी, ना है और ना ही भविष्य में किसी को मिलेगी। और सोचिए अध्यात्म की उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस वाणी को पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ इसके अंदर समाहित हो गया है। इस दुनिया में जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी किताबें लिखी गई, जितनी आराधनाएं की गई, जितने गीत परमात्मा की भक्ति में गाए गए, उन सब के ऊपर यह ब्रह्मवाणी एक कलश की तरह सुशोभित हो रही है। इसको पढ़ करके लगता है कि ये कविता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई महाकाव्य है ब्रह्म का जो इसके शब्दों में उतर आया है। इतनी बड़ी शोभा लेने के बाद भी इंद्रावती जी के हृदय की विनम्रता देखिए। इंद्रावती जी कहती हैं, हुकुम चढ़ाओ सिर साथ को, बख्शो मेरी भूल, कि मैं तो आपके सामने हाजिर हूं। हुकुम चढ़ाओ सिर साथ को, बख्शो मेरी भूल, भी दीजो सिखापन मुझको, आप मुझे सिखापन दो, आप मुझे कुछ सिखाओ, आप मुझे कुछ बताओ कि मेरी रहनी कैसी हो, मैं कैसे इस संसार में रहूं, भी दीजो सिखापन मुझको, जो हूं संकुल।
कितने मार्मिक शब्द हैं। साथ जी के चरणों में नमी नमी लागू पाए। सोचिए 24 घंटे हमारे चित्त में विषयों का चिंतन चलता है, हजारों मांगे हमारी, अक्षरातीत हम धनी तो सबसे आखिरी नंबर पर हैं। घृणा द्वेष हमारे हृदय में लहरों की तरह भंवर बन करके उमड़ रहा है। संसार के अंदर बुजुर्गी हमसे छोड़ी नहीं जाती, गृहस्थ में रहता है उसकी अपनी बुजुर्गियां हैं। गृहस्थ छोड़कर के जो सन्यासी बनता है उसको नई बुजुर्गी डस लेती है। इंद्रावती जी कहती हैं कि एक आग तो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। किसी को 108 बनना है, किसी को 1008 बनना है, किसी को 1 करोड़ 8 बनना है, किसी को 1 लाख 8 बनना है। धाम धनी का कौन बनेगा? कौन होगा जो इंद्रावती जी की तरह सच्चे हृदय से ये मांग करेगा कि ये जो सुंदर साथ हैं, भले ही ये विषयों से ग्रस्त हैं, भले ही आज इनके चरणों में, भले ही आज इनके चित्त में संसार का चिंतन चल रहा है, लेकिन इन सुंदर साथ के चरणों में मैं नमी नमी अपने मस्तक को झुकाती हूं। इसीलिए मैं बार बार सोचता हूं कि इस भव सागर में इतना प्रेम देने वाला कोई नहीं मिल सकता। जो मौका भगवान दास रेवादास के पास आया, आपको लग रहा होगा कि उसके घर तो श्री जी आए थे। मैंने चर्चा के आरंभ में ही कहा, यह ब्रह्मवाणी अक्षरातीत धाम धनी की वांगमय मूर्ति है। जब भी आप इसको पढ़ते हैं, जब भी आप इसको खोलते हैं, आप यही विचार कीजिए कि आज मैं भी अपने घर पर बैठा हूं और वो धाम धनी अक्षरातीत एक वांगमय स्वरूप लेकर के मेरे घर पर पधारे। कहीं मुझसे भी भूल ना हो जाए, कहीं मेरी भी मांग झोपड़ी बकरी और चारे तक न सीमित रह जाए, कहीं मैं भी भगवान दास रेवादास की तरह एक असरफी तक न रह जाऊं। कुछ मांग अलौकिक इन पर, जब जब मेरा सिर झुके, जब जब मेरी आंखें झुकें, जब जब मेरे हृदय में धाम धनी का नाम आए, मैं लौकिक का त्याग कर अलौकिक मांगू। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आज हम यहां पर बैठे हैं, दोपहर के मंच में हमने दो सुंदर साथ को श्रद्धांजलि दी। इस संसार में किसी की भी सत्ता अखंड नहीं रहने वाली। एक दिन हम भी इस संसार से चले जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी स्थान पर हमारे भी फोटो पर कोई हार चढ़ा रहा होगा, कोई फूल चढ़ा रहा होगा। सोचिए जिस बुजुर्गी के लिए, जिस मान सम्मान, जिस प्रतिष्ठा, जिस झोपड़ी बकरी और चारे के लिए सारा दिन हम लगे रहते हैं, वो उस दिन क्या काम आएगी। समय की मांग है कि भगवान दास रेवादास के घर पर जो पधारा था, आज वो हमारे घर पर पधारा है। हम इस बाजी को चूक ना जाएं, हम लौकिक को छोड़ करके अलौकिक मांगें, हम संसार की कामना को छोड़ करके उस अलौकिक को मांग लें, हम अक्षरातीत से उनका कुछ न मांगे, हम यही कहें कि हमें केवल आप चाहिए। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, केवल एक ही मांग हमारे हृदय में हो, केवल एक ही वाणी हमारे कंठ में हो, केवल एक ही शब्द हमारी जिभा पर हो, केवल एक ही प्रतीक्षा हमारी आंखों में हो कि हे प्रियतम, जैसे आप हैं हमें आप सरीखा बना लीजिए, हमें उस वाहिदत की भूमिका में पहुंचाइए जहां हमारा हृदय भी कहे कि अब मिल रही महामत पियूसो अंगो अंग। अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। तो संसार के सुखों को, संसार की कामनाओं को, संसार की उपाधियों को, संसार की बुजुर्गी को छोड़ करके हम उस एक अखंड रस शाश्वत ब्रह्म से केवल उसके स्वरूप को मांगे, केवल उसके धाम को मांगे, केवल उसके दर्शन की मांग करें। इस संसार में आप भले ही कुछ भी मांगते रहिए, समय का चक्र ऐसा है
सोचिए जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी इस संसार में नहीं रहे, अर्जुन जैसा गांडीवधारी कोई नहीं हुआ, जब उसकी सत्ता इस संसार में नहीं रही, दशरथ सागर राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम इस संसार में नहीं रहे, 16 कलाओं से परिपूर्ण योगेश्वर श्री कृष्ण इस संसार में नहीं रहे, अर्जुन ने श्री कृष्ण को गीता में अनेक शब्दों से संबोधित किया, लेकिन पूरी गीता में पहला और आखिरी संबोधन जो अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है वह है माया च्युतः, कि आप माया से परे हो, त्रिगुणातीत अवस्था में हो। सोचिए जब 16 कलाओं से संपूर्ण योगेश्वर श्री कृष्ण भी इस संसार में नहीं रहे, तो इस संसार का धन, इस संसार का वैभव मांग करके हम क्या हासिल कर लेंगे? हम धन न मांगें, हमारी कामनाएं संसारिक ना हो, हम अध्यात्म की राह पर चलें, हम प्रचारक बने, हम राज्य की वाणी का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा अपने सिर पर उठाएं, तो हम और दुगनी सावधानी बरतें कि कहीं कोई चुपके से बुजुर्गी, कहीं कोई मान सम्मान की चाहना मेरे हृदय में ना आ जाए। और हम यही कहें, अक्षरातीत से यही मांग करें कि आप यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो आप हमें अपना प्रेम दीजियो, ये जिन तुम खाली करो। हमारी केवल एक ही अर्जी है, आप हमें वचन दो कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाओगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय भी पूरा होता है, हम मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। मांगतो मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचना, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हीना, मैं अर्ज करूं हीना। बोलिए श्री प्राणनाथ।